अली या अली या अली, क्या समझे कि या अली कहना हमने नबी से सीखा है। आज कोई नारा लगाता है तो नारे तकबीर नारे रिसालत, कोई दाएं जा रहा है कोई बाएं जा रहा है, कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तामीर अदब के मुसन्निफ अल्लामा बदरुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह तामीर अदब पहले हिस्से में लिखते हैं, जब इस्लामी नारों की फहरिस्त आपने बयान की तो लिखते हैं पहला नारा नारे तकबीर, दूसरा नारा नारे रिसालत और तीसरा नारा नारे हैदरी। समझो बुखारी याद रहे न रहे तामीर अदब याद रखा करो, अदब वो किताब है अली या अली या अली तामीर अदब कोई लंबी चौड़ी किताब नहीं है, कोई मोटी तगड़ी किताब नहीं है। तामीर अदब वो किताब है कि 8 साल का बच्चा मकतब में पढ़ता है, कभी मौलाना शौकत पढ़ाते होंगे कभी मौलाना फिरोज पढ़ाते होंगे, 8 साल का बच्चा तामीर अदब पढ़ता है। मुझे कह लेने दो कि 8 साल का बच्चा तामीर अदब पढ़कर समझ गया कि नारा हैदरी ये हमारा नारा है, और बुखारी मानने वाले आज तक नहीं समझ पाए कि नारा हैदरी क्या हुआ। सुभान अल्लाह। عزیزان ملت اسلامیہ نبی نے دعا پڑھی علی مظهر الاداء تجده اولا لك في النظار كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي محب الدين تمر لکھتے ہیں کہ جب یا علی کی صدا اللہ کے نبی نے بلند کی ادھر علی بجلی کی طرح دوڑ کر کے ساتوں صفوں کو چین کر کے بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا سبحان اللہ سبحان اللہ एक ही लम्हे में बिजली की तरह पहुंचते कहते हैं अल्लाह के नबी क्या हुक्म है। नबी ने इशारा किया मुहिबुद्दीन तबी लिखते हैं कि चंद ही लम्हों में मादाए कायनात ने अपनी तलवार से कुफारों के सर को इस तरह अलम किया कि ऐसा लगता था जैसे गाजर मूली कट रही हो।